लॉकडाउन में रियायत से जहां हालात सामान्य बनाने की कोशिश जारी है, वहीं अब जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपकी चिंता बढ़ा सकता है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो उसे इन आंकड़ों ने खासतौर पर परेशान कर रखा है। देश के 5 राज्यों में जहां 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, वहीं 5 दिनों में केस डबल हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में महज 3 दिन में ही केस दोगुने हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां देश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं, वो भी गुजरात से इस मायने में पीछे है। वहीं दिल्ली में भी मरीजों की संख्या डबल होने में 5 दिन लगते हैं। जहां तक देश का सवाल है तो औसतन हर 10 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, लेकिन गुजरात में संक्रमण के 3 दिनों में डबल होने की रफ्तार परेशान करने वाली है। कोरोना संक्रमण को लेकर गुजरात से लगातार परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों का जैसे विस्फोट सा हो गया हो। महीने भर में जहां 20 से भी कम मामले थे, उसी गुजरात में अब 2800 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। देश में जहां कोरोना के आंकड़े 8 से 9 दिन में डबल हो रहे हैं, वहीं अहमदाबाद में 3 से 4 दिनों में ही केस दोगुने हो रहे हैं। 22 मार्च को गुजरात में जहां कोरोना संक्रमण के 18 मामले थे, वहीं 24 अप्रैल को राज्य में 2,815 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। लॉकडाउन से पहले कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात जहां 8वें नंबर पर था, वो अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मौत की जहां तक बात है तो महाराष्ट्र में जहां 301 लोगों की मौत हुई, वहीं गुजरात में अब तक 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद के अलावा सूरत और वडोदरा में सबसे ज्यादा नए संक्रमण सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित पुराना अहमदाबाद है। यहाँ की घनी आबादी वाले जमालपुर, दानी लिमड़ा, बहरामपुर, दरियापुर और खाड़िया जैसे इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा है। 15 अप्रैल से ही इन इलाकों में कर्फ्यू लागू है। अहमदाबाद और सूरत में तेजी से फैलते संक्रमण से केंद्र सरकार की भी नींद उड़ गई है। उसने दोनों शहरों में सेंट्रल टीमों को भेजा है ताकि वो स्थानीय प्रशासन को कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन को लागू करने के जरूरी सलाह दे सके। इन सब के बीच कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को क्वारंटीन होना पड़ा था, वो अब स्वस्थ हैं। आज मेरा देख के लोगों ने टेस्ट करवाए तो उसके अंदर जो भी पॉजिटिव आए उनको सारवार मिली और अच्छे भी हो गए और वो लोग अभी हॉस्पिटल से कई लोगों को डिस्चार्ज भी हो जाए। वैसे आम लोगों की बात करें तो गुजरात में इन दोनों राज्यों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम है। सूरत में ठीक होने वालों का आंकड़ा 3% से भी कम है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात के हालात ने जहां चिंता बढ़ा रखी है, वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की चिंता स्लम एरिया को लेकर बढ़ चुकी है। बीएमसी इन इलाकों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई पुलिस भी बांद्रा ईस्ट के बहरामपाड़ा, भारत नगर, ध्यानेश्वर नगर और पत्थर नगर पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी हुई है। इन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से जंग में वो लॉकडाउन का पालन करें और रमजान के दौरान अपने घरों में ही रहें। उसके इस अभियान में नागरिकों ने भी उसका साथ दिया है। कोरोना ने इंसान की संकटों से लड़ने की इच्छा शक्ति को सामने रखा है। सरकारों के कामकाज को भी दुनिया परखने में लगी हुई है। दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसी गैलप ने कोरोना के संकट काल में 28 देशों की सरकारों के कामकाज पर सर्वे किया है और सर्वे में सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर नंबर 1 है। भारत के 91% लोगों की राय है कि सरकार कोरोना से निपटने में अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार की रेटिंग दुनिया भर की सरकारों के बीच नंबर 1 है। भारत के 79% लोगों ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार का फैसला सही कदम था। गैलप की सर्वे में जहां भारत की सरकार पर 91% जनता का भरोसा है, तो ऑस्ट्रिया की सरकार पर वहां की 86% जनता का भरोसा है। पाकिस्तान में भी 82% लोग मानते हैं कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। फिलीपींस में 80% लोग सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं, जबकि जर्मनी में 75% लोगों का सरकार पर भरोसा है। गैलप के सर्वे में यह भी सामने आया है कि थाईलैंड के 81% लोग कोरोना से निपटने में सरकार से नाखुश हैं, जबकि जापान में भी 69% लोग सरकार से नाराज हैं। अमेरिका में 48% लोगों की राय है कि सरकार ने सही काम नहीं किया।